आज हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज के बारे में, आखिर क्यों बांध रहता है 12 बजे हावड़ा ब्रिज। तो चलिए जान लेते हैं। हुगली नदी पर बना एक बहुत ही मशहूर पुल है जो पश्चिम बंगाल के दो बड़े शहरों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। यह कोलकाता की संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। डॉट यह दुनिया का सबसे व्यस्त बिजिएस्ट पुल है। यह पुल सेतु 2313 फीट लंबा और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें दोनों तरफ 15x15 फीट चौड़े दो फुटपाथ भी हैं। यह पुल 73 साल पुराना है। इसे बनने में लगभग 6 साल लगे। 3 फरवरी 1943 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। हावड़ा ब्रिज पर हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं और 1.5 लाख पैदल यात्री वर्तमान में इससे भी ज्यादा इस पर चलते हैं। इसकी क्षमता 60,000 टन वजन सहने की है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया कि आज हावड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन का वजन रहता है। यह पूरा पुल उच्च तन्य मिश्र धातु स्टील का बना हुआ है, जिसे टिस्क्रॉम कहा जाता है। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील खपत हुई थी। आज जहां हावड़ा ब्रिज है, दरअसल वहां कभी पोंटून सेतु था, जिसे विकसित करके हावड़ा ब्रिज बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून 1965 में बंगला साहित्य के महान कवि, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रवींद्र सेतु कर दिया गया। 2000 फीट से भी अधिक लंबे इस पुल में सिर्फ दो ही स्तंभ हैं, जिनके बीच की लंबाई 1500 फीट है। अपने निर्माण के समय यह पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था। आज यह अपनी तरह का विश्व का 6ठा सबसे लंबा पुल है। आखिर में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज और इंजीनियरिंग को LTD को दिया गया था, लेकिन इसकी संरचना ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन को LTD नामक कंपनी द्वारा किया गया। इस पूरे ब्रिज का प्रारूप डिजाइन रेंडल पामर और ट्राइटन के द्वारा किया गया था। इस पूरे पुल को बनाने में उस जमाने में 2,50,00,000 की लागत आई थी। तो फाइनली जानते क्यों बंद रहता है हावड़ा ब्रिज। सुनने में आया है कि इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर ने बताया था कि इस पुल 12 बजे टूटेगी। ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। तब से लेकर अब तक 12 बजे यह पुल बंद रहता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स बताएं।